कैसे हो बेटा? तो आज हम लेट्स फील फिजिक्स में ऐसे सर्किट को सॉल्व करना सीखेंगे जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ कैपेसिटर्स लगे हों। देखो बेटा, जब भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ कैपेसिटर्स लगे हो ना, तो सबसे पहला काम क्या करना होता है आपको? कुछ पैटर्न ऑब्टेन करने की कोशिश करना होता है बेटा, जिसका रिपीटेशन बार बार हो रहा हो, या सर्किट में अगर कुछ भी सीरीज या पैरेलल में दिखाई दे रहा हो बेटा, तो उसको सॉल्व करते हैं पहले हम। क्लियर है? तो कुछ ना कुछ पैटर्न हमें ऑब्टेन होता है। एग्जांपल बताते हैं, एक सर्किट बेटा हमें गिवन था, कैपेसिटेंस सी, अगला 2C, अगला 4C, अगला 8C, अगला 16C एंड सो ऑन बेटा। ये पॉइंट आपका था बी, ये पॉइंट था बेटा आपका ए। क्वेश्चन है फाइंड सी इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। देखो बेटा, इसमें जितने भी कैपेसिटर हैं सारे के सारे सीरीज में हैं, तो 1/C इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी 1/C प्लस 1/2C प्लस 1/4C प्लस 1/8C प्लस 1/16C एंड सो। इसको मैं लिख सकता हूं 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16 एंड सो। देखो बेटा, ये एक इनफाइनाइट जीपी है जिसका फर्स्ट टर्म है 1। क्लियर? और कॉमन रेशियो है बेटा 1/2। तो क्या इस वैल्यू को हम लिख सकते हैं फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय 1 माइनस r, 1 माइनस 1/2। क्लियर बेटा? अब देखो क्या ये आ जाएगा बेटा, आपका 2 ऊपर जाएगा 2/c। अच्छा, इसको लिखा कैसे बेटा? इसके लिए अगर आपको फॉर्मूला याद हो बेटा, तो इसे डायरेक्ट लिखा गया है, कहीं ऐसा टर्म हो ना, ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब एंड सो ऑन, और आर इज लेस देन 1। क्लियर बेटा? तो इसमें जो आता है आपका एस एन बेटा, वो आता है ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। इसी का यूज किया बेटा हमने। तो यहां से बेटा सी इक्विवेलेंट कितना आ गया? क्या ये आ गया C/2? यही आपका आंसर है। तो बेटा अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखो अगला आपका बेटा पॉइंट ए है और पॉइंट बी है, इनके बीच में सर्किट गिवन है। पहला कैपेसिटर है बेटा सी, अगले में दो कैपेसिटर है सी और सी के बेटा, अगले उसमें चार कैपेसिटर है सी 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 और सी के। क्लियर बेटा? अगले में 8 है, इस तरीके से बेटा ये एंड सो ऑन कहानियां चल रही बेटा। क्लियर है? हमसे पूछा गया फाइंड सी इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। देखो बेटा, इनफाइनाइट सर्किट चल रहा है, तो पहले हम वो कुछ सर्किट सॉल्व कर लेते हैं बेटा जहां पर सीरीज दिखाई दे रहा है। जैसे देखो, इसको हम सॉल्व करें बेटा, तो हमारा सर्किट ऐसा कुछ बनेगा। देखो ये होगा ए, ये होगा बी, कैपेसिटेंस बेटा। देखो इसमें दो सीरीज में, तो बेटा अगला आएगा आपका C/2 आएगा, अगले बेटा चार सीरीज में तो C/4, अगले बेटा 8 सीरीज में तो अगला कितना आएगा बेटा C/8 एंड सो ऑन। तो सी क्यू वैलेंट कितना होगा बेटा? C+C/2+C/4+C/8 एंड सो ऑन। फिर से देखो बेटा, क्या ये एक जीपी बन रहा है बेटा? जीपी का फर्स्ट टर्म है सी,
और कॉमन रेशियो कितना बेटा 1/2। क्लियर बेटा, तो क्या ये आ गया 2c। अगला सर्किट बनाता हूं मैं, हमें सर्किट ये गिवन है C1 C2 C1 C2 C1 C2 and so on till infinite। ये पॉइंट है बेटा A, ये पॉइंट है बेटा B। हमसे पूछा गया है सीक्वेलेंट बिटवीन A एंड B। देखो बेटा, अब इसमें कुछ भी हमें सीरीज या पैरेलल में दिखाई नहीं दे रहा है, क्लियर है? तो बेटा हम क्या करेंगे, इसमें कुछ और पैटर्न ऑब्टेन करने की कोशिश करेंगे। देखो कैसे सोचा जाए बेटा, हमने एक पॉइंट लिया बेटा ए डैश, एक पॉइंट लिया बेटा बी डैश, एक पॉइंट लिया बेटा ए डबल डैश। देखो अगर मैं सर्किट को ए डबल डैश और बी डैश से उधर देखूं, देखो बेटा ये सर्किट दिखाई देगा, क्या वो सर्किट इस तरीके से नहीं है बेटा? कैसे नहीं? देखो इधर मैं ए से चलता हूं, पहले तो मुझे C1 कैपेसिटर मिलता है, फिर एक जंक्शन मिलता है बेटा, क्लियर है? और उस जंक्शन पर C2 और C1 फिर से ऐड है बेटा। और अगर मैं ए डबल डैश से चलता हूं, क्लियर है, तो बेटा मुझे पहले जंक्शन मिल जाता है। इसका मतलब ए डबल डैश और ए एक जैसे पॉइंट कंसिडर नहीं हो सकते। हाँ, अब मैं ए डैश से चलू बेटा, तो ए डैश से वही कहानी होगी। चलो चलेंगे बेटा, पहले C1 एक कैपेसिटर मिलेगा, फिर जंक्शन मिलेगा, उस जंक्शन पर क्या ऐड होगा बेटा, C2 ऐड होगा। क्लियर है कि नहीं है? अच्छा देखो, ऐसे यहां से भी हो सकता था, या फिर सर्किट को यहां से कंसीडर कर लो, आगे भी कंसीडर कर लो बेटा। लेकिन देखो होता क्या बेटा, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे वैसे ही एक हायर ऑर्डर की क्वेश्चन बनते जाते हैं, वो मैं एग्जाम्पल के थ्रू भी समझाऊंगा कैसे क्या होता बेटा। इधर देखो, तो इस सर्किट को अगर मैं कट कर लू ए डैश और बी डैश से, तो बेटा अपना सर्किट ये ऐसा कुछ मिलेगा C1 C2 C1 C2 C1 C2 एंड सो ऑन। इस तरीके से कुछ मिलता जाएगा बेटा, ये मिलता जाएगा। अब देखो बेटा ध्यान से, जब ये इनफाइनाइट टर्म है तो ये भी कहां तक गया होगा, इनफाइनाइट तक। इसका मतलब अगर इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सी है तो इसका भी कितना होगा बेटा, सी ही होगा कि नहीं होगा, क्लियर है? तो क्या हमारा सर्किट रिड्यूस होके कुछ ऐसा आएगा, ए और बी एक कैपेसिटर बेटा C1 का, एक कैपेसिटर बेटा C2 का, और यहां पर जो ए और ए डैश और बी डैश के बीच में था उसको मैंने बोल दिया सी इक्विवेलेंट, और इसके बीच का भी कितना होगा बेटा, सी इक्विवेलेंट। इधर देखो, अब ये दोनों पैरेलल में, तो बेटा इससे एक कैपेसिटर बनेगा कितने का, ये हमारा सर्किट और रिड्यूस हो जाएगा C1 का, और ये सर्किट हो जाएगा बेटा C2 प्लस सी इक्विवेलेंट का, क्लियर है? अब बेटा ये दोनों कैसे सीरीज में, तो ये आ जाएंगे C1 C2 प्लस सी इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 प्लस सी इक्विवेलेंट इक्वल टू सी इक्विवेलेंट। क्लियर बेटा? अब यहां से मैं सी इक्विवेलेंट सॉल्व कर दूंगा बेटा, कैसे? देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा C1 C2
सी इक्विवेलेंट प्लस प्लस सी टू सी इक्विवेलेंट प्लस सी इक्विवेलेंट का स्क्वायर इक्वल टू सी वन सी टू प्लस सी वन सी इक्विवेलेंट बेटा ये मान जाएगा। देखो आगे बात, अगर इसको इधर लिखना तो बेटा मैं लिखूंगा सी इक्विवेलेंट का स्क्वायर प्लस सी टू सी इक्विवेलेंट माइनस सी वन सी टू इक्वल टू जीरो। देखो बेटा क्या ये सी इक्विवेलेंट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? इस क्वाड्रेटिक को बेटा सॉल्व करेंगे तो आएगा सी इक्विवेलेंट इक्वल टू माइनस का बी तो माइनस का सी टू प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर सी टू स्क्वायर माइनस फोर। ए की वैल्यू है वन बेटा और सी की वैल्यू कितना है? माइनस का सी वन सी टू डिवाइडेड बाई टू। क्लियर बेटा? तो क्या ये सॉल्व होके आ गया बेटा आपका इक्वल टू माइनस का सी टू प्लस माइनस रूट में सी टू स्क्वायर प्लस फोर सी वन सी टू डिवाइडेड बाय टू। क्लियर बेटा? सी इक्विवेलेंट की दो वैल्यू चाहिए। अब दो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस तो हो नहीं सकता बेटा इसका, तो हम क्या करेंगे इसमें से कोई एक लॉजिकली इग्नोर करेंगे। तो देखो बेटा इसमें अगर मैं ये माइनस वाला साइन ले लूं तो सी इक्विवेलेंट निगेटिव आ जाएगा। सी इक्विवेलेंट कभी निगेटिव हो नहीं सकता बेटा कैपेसिटेंस। तो सी इक्विवेलेंट क्या आएगा यहां से वाला? माइनस का सी टू प्लस सी टू स्क्वायर प्लस फोर सी वन सी टू डिवाइडेड बाई कितना बेटा? टू। ये सी इक्विवेलेंट का आंसर कंसिडर हो जाएगा बेटा। क्लियर है? आगे बात। अच्छा अब देखो ध्यान से, ऐसे बेटा अगर सर्किट को मैं यहां से कंसीडर करूं ना, आगे बात यहां से कट करूंगा और यहां पर सी इक्विवेलेंट लगाऊंगा बेटा तो भी सॉल्व होगा। लेकिन बेटा फिर जो यहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ना बेटा वो इससे भी हायर ऑर्डर का इक्वेशन बन जाता है। तो ऐसे बेटा यहां पर सी इक्विवेलेंट की और सारी वैल्यूज आ जाती है तो उसको हम लॉजिकली और सारी वैल्यूज को बेटा क्या करते हैं? इग्नोर कर देते हैं। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। क्लियर है कि नहीं है? इसलिए हम यहीं से कट करते हैं बेटा। क्लियर? देखो बेटा एक और सर्किट उठाते हैं हम, हमें ये गिवन था बेटा एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बेटा बी, ठीक है? और इसमें ऐसे सर्किट जुड़े हुए हैं, इनफाइनाइट, ठीक? इधर भी ऐसे जुड़े हुए बेटा, इनफाइनाइट। क्लियर है? पूछा गया फाइंड सी इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी, सारे कैपेसिटेंस बेटा सी 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 इस तरीके से, ठीक है? देखो बिल्कुल परेशान होने वाली बात नहीं है बेटा। देखो ए और बी के साथ बेटा दो इनफाइनाइट सर्किट है, एक इस साइड है और एक इस साइड है। क्लियर है? अब इस पर्टिकुलर सवाल में दोनों साइड सेम सर्किट रिपीट हो रहा है, इसका मतलब बेटा मैं एक साइड का निकाल लू, मतलब मैं ये सॉल्व कर दू। देखो इधर ये सर्किट सॉल्व कर दो, ठीक है? और इसका अगर आता बेटा सी इक्विवेलेंट, क्लियर है? तो जो हमारा ए और बी के बीच में होगा बेटा वो ऐसा कुछ होगा सी इक्विवेलेंट और सी इक्विवेलेंट
हो जाएगा। इसका तो हमारा रिजल्टेंट क्या आ जाएगा बेटा, 2C इक्विवेलेंट, यही आएगा नहीं आएगा हमारा आंसर, क्लियर है। देखो ध्यान से देखो बेटा, वही सर्किट इस साइड है, वही सर्किट इस साइड है, और दोनों सर्किट आपस में कैसे होंगे, ए और बी के वो पैरेलल हो जाएंगे बेटा, नहीं हो जाएंगे, क्लियर है। अच्छा ऐसा भी हो सकता था किसी सवाल में ये सर्किट अलग हो या सर्किट अलग हो, तो बेटा सी वन निकाल लेते और सी टू निकाल लेते और फिर दोनों को पैरेलल मान के जोड़ देते, क्लियर है। देखो अब ये सर्किट अगर हम सोल्व करें बेटा तो यहां से कट करेंगे, क्लियर है कि नहीं है, तो हमारा सर्किट कितना बनेगा बेटा, ये बन जाएगा सी इक्विवेलेंट सी और सी। एक क्वेश्चन लेते बेटा, देखो ये दोनों पैरेलल में क्या सर्किट बनेगा, सी और सी प्लस सी इक्विवेलेंट बेटा। अब ये दोनों सीरीज में बेटा, तो सी इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सी सी प्लस सी इक्विवेलेंट टू सी प्लस सी इक्विवेलेंट, ये सॉल्व कर लेना आप। ये बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई, टू सी सी इक्विवेलेंट प्लस सी इक्विवेलेंट का स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस सी सी इक्विवेलेंट, बेटा एक मर जाएगा यहां से, यह आ जाएगा आपका सी इक्विवेलेंट का स्क्वायर प्लस सी सी इक्विवेलेंट माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू जीरो। सॉल्व कर दो बेटा, इक्विवेलेंट क्वाड्रेटिक मानते हुए माइनस का बी माइनस का सी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बाय टू, क्लियर बेटा। ये आ गया रूट फाइव और सी स्क्वायर बेटा कितना आ गया, देखो क्या जाएगा, सी वन माइनस प्लस माइनस रूट फाइव डिवाइडेड बाय टू। अब देखो बेटा माइनस वाला फिर से इग्नोर हो जाएगा, तो सी इक्विवेलेंट आंसर क्या है हमारा, सी बाई टू माइनस वन प्लस रूट फाइव। देखो बेटा अब ये एक साइड का आया है, तो जो आएगा सी इक्विवेलेंट बेटा सी बिटवीन ए एंड बी वो कितना आया है, टू सी इक्विवेलेंट आया बेटा, ये है इक्वल टू टू सी इक्विवेलेंट दैट इज सी माइनस वन प्लस रूट फाइव। छापो बेटा, देखो बेटा एक और सर्किट हम सॉल्व करते हैं, हर कैपेसिटर है सी 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 एंड सो ऑन बेटा, यहां भी एक है, इस तरीके से चल रहा है, ए है पॉइंट और बी है पॉइंट, हमें गिवन है फाइंड मतलब हमें निकालना है फाइंड सी इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। इधर देखो बेटा यहां हम अगर चलते बेटा तो हमें क्या मिलता है, सबसे पहले जंक्शन मिलता है, कोई कैपेसिटर नहीं मिलता बेटा, यही कहानी यहां भी है, तो इसका मतलब बेटा हम इसको यहां से कट करेंगे, क्लियर है। तो इसके बीच का अगर कैपेसिटेंस सी इक्विवेलेंट है तो इसके बीच का कैपेसिटेंस कितना होगा बेटा, सी इक्विवेलेंट होगा, तो हमारा सर्किट ये बन जाएगा, ये सी होगा बेटा, ये सी होगा और ये सी इक्विवेलेंट होगा। देखो ये सी और ये सी और ये सी इक्विवेलेंट होगा बेटा सीरीज में, तो ये दोनों मिला के कितना जाएगा बेटा सी बाय टू, तो इसको और अगर मैं लिखूं तो इस तरीके से भी लिख सकता हूं, कैपेसिटेंस सी, ये सी बाय टू और ये कितना बेटा सी इक्विवेलेंट। अब ये दोनों मिला के एक बनेगा बेटा, तो जो सर्किट बनेगा हमारा बनेगा बेटा ये बनेगा सी का, और ये कितने का बन जाएगा बेटा, देखो इधर ये बन जाएगा आपका
सी बाई टू इंटू सी इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई सी बाई टू प्लस सी इक्विवेलेंट। इसको बेटा अगर हम सॉल्व कर दें तो आ जाएगा सी सी इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई सी प्लस टू सी इक्विवेलेंट। तो यहां से बेटा ये दोनों पैरेलल होगा तो क्या सी इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी सी प्लस सी सी इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई सी प्लस टू सी इक्विवेलेंट। क्लियर है? इधर देखो बेटा मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें एलसीएम वगैरह लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर बेटा ये आ जाएगा सी स्क्वायर प्लस टू सी सी इक्विवेलेंट प्लस ये बेटा कितना थ्री सी सी इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय सी प्लस टू सी इक्विवेलेंट आ जाएगा बेटा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा बेटा सी सी इक्विवेलेंट प्लस टू सी इक्विवेलेंट का स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस थ्री सी सी इक्विवेलेंट। क्लियर बेटा? इसको इधर लाओगे बेटा ये आ जाएगा टू सी इक्विवेलेंट का स्क्वायर माइनस टू सी सी इक्विवेलेंट माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू जीरो। क्लियर बेटा? अब सॉल्व कर लेते हैं तो सी इक्विवेलेंट माइनस का बी कितना बेटा ये हो जाएगा प्लस का टू सी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर बेटा फोर सी स्क्वायर माइनस टू ए सी। क्लियर बेटा? डिवाइडेड बाई टू ए। क्लियर है? इसको बेटा अगर आप सॉल्व करोगे देखो क्या आ जाएगा बेटा ये आ जाएगा टू सी प्लस माइनस ये बेटा आएगा आपका देखो ध्यान से प्लस का फोर सी स्क्वायर और फोर सी स्क्वायर बेटा ये भी है कितना तो यह आ जाएगा इक्वल टू टू सी प्लस माइनस सी और रूट में बेटा एट डिवाइडेड बाई फोर। तो बेटा निगेटिव वाला इग्नोर हो जाएगा ये टू रूट टू भी लिख सकते हो बेटा इसे तो यह आ जाएगा सी प्लस रूट टू सी डिवाइडेड बाई टू। क्लियर है बेटा? लिख जाओ इतना। कैलकुलेशन चेक कर लेना बेटा। चलो अब कुछ बातें हम ध्यान से सुनते हैं। बिल्कुल छोटा सा सवाल पूछ रहा हूं आपसे, ये बताओ बेटा अगर इस सी की जगह पर टू सी होता तो आंसर क्या आता? क्या बेटा इस सी की जगह पर मैं टू सी लिख देता आंसर आ जाता? इस सी की जगह बेटा मैं कोई सी भी वैल्यू रखू तो आंसर क्या आएगा बेटा? जो वैल्यू यहां पर सी की जगह पर था वही वैल्यू यहां सी की जगह पर आकर रख देंगे आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। क्लियर है? अब देखो बेटा इसका यूज कैसे हमें करना है। क्लियर है? आगे बात। अब इसी सर्किट में बेटा मॉडिफिकेशंस करेंगे कुछ। इस पे एक टाइप का सवाल और आता बेटा, वो सवाल क्या होगा इसको सुनो। लास्ट में एक कैपेसिटर जोड़ देगा C1, ठीक है? और अब क्वेश्चन है फाइंड वैल्यू ऑफ C1 फॉर विच सी इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी सी इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम C1। मतलब सवाल समझ में आया? C1 की वो वैल्यू बता दो बेटा जिससे ए और बी के बीच की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C1 से इंडिपेंडेंट आ जाए।
अरे भैया कुछ नहीं पूछ रहा ये, खाली और खाली परेशान करने का एक नया तरीका लेके आया। इधर देखो ये सर्किट कहां तक जा रहा बेटा, इनफाइनाइट तक जा रहा है कि नहीं जा रहा है? इसका मतलब अगर यही सर्किट इनफाइनाइट तक जाता रहे बेटा तो इसका सी क्या आता है? कुछ इस तरीके से आएगा कि नहीं आएगा? ये सवाल है हमारा बेटा कि नहीं है? देखो अगर इस सी की जगह पर यही सर्किट कंटिन्यू हो जाए, बात सुन गई? सवाल क्या था? सी से इंडिपेंडेंट हो जाए तो सी की जगह पर बेटा अगर यही सर्किट कंटिन्यू हो जाए तो रेजिस्टेंस पर कोई फर्क पड़ेगा? नहीं बेटा। क्यों नहीं? क्योंकि पहले भी इनफाइनाइट तक था और लगा देंगे तो और इनफाइनाइट तक चला जाएगा। क्लियर है बेटा कि नहीं है? तो जब भी ऐसा सवाल आए तो C1 क्या होता बेटा ऐसे सवालों में? C1 इज इक्वल टू सी इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। बात समझ आ गई बेटा? अरे यही सर्किट कंटिन्यू कर दो आगे तो पहले इनफाइनाइट था, बी इनफाइनाइट रहेगा तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका तो C1 क्या पूछना चाह रहा है बेटा ये? बात समझ में आ गई? क्लियर है? पक्की बात? लिख जाओ। लिख लिया, आगे देखो अगला सवाल देखते बेटा। अब अगले सवाल बेटा जो क्वेश्चन होंगे वो मैं खाली खाली तुम्हें हिंट दूंगा कैसे करने कराऊंगा नहीं। देखो सवाल ये है, C, C, 2C, 2C, C, 2C, देखो 4C, 4C, अगला बेटा 8C, अगला बेटा 8C, क्लियर है? टिल इनफाइनाइट ये सर्किट है, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी। सवाल है फाइंड सी इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। देखो बेटा यहां से हमने कट किया तो हमारा जो सर्किट ए डैश बी डैश से ऑप्टेन हुआ वो ये ऑप्टेन हुआ 2C, 2C, 4C, 4C, 8C, 8C। देखो बेटा अब अगर इसके बीच का जो कैपेसिटेंस था वो था सी इक्विवेलेंट तो इसमें सी इक्विवेलेंट कितना आया होगा इसके लिए? और इसके बीच का बेटा मान लेते हैं सी इक्विवेलेंट है तो सी इक्विवेलेंट आपका कुछ कांस्टेंट टर्म इनटू सी आया होगा। और इन दोनों सर्किट को देखो जहां जहां यहां पर सी है बेटा वहां पर क्या रख दिया? 2C रख दिया कि नहीं रख दिया? क्लियर हो रहा है ना? देखो अगर यहां 2C होता बेटा यहां 2C होता, यहां 2 रख देते तो यहां 4C हो जाता, यहां भी 4C हो जाता, यहां पर 8C हो जाता, यहां भी 8C हो जाता बेटा। क्लियर है कि नहीं है? क्या वही सर्किट रिपीट हो जाता कब बेटा? जब यहां पर सी की जब कितना रख देते? 2C रख देते। बात समझ में आ गई? तो बेटा सीधी सी बात है इसका मतलब जो हमारा सर्किट बनेगा एक रिलेशन आ जाएगा सी इक्विवेलेंट डैश इक्वल टू ट्वाइस ऑफ सी इक्विवेलेंट। तो जो हमारा सर्किट बना बेटा ये बन जाएगा। देखो सी सी और यहां कितना 2C इक्विवेलेंट और इनके बीच का कितना बेटा सी इक्विवेलेंट। करोगे सॉल्व? क्लियर है? आगे बात पक्का छाप लो। क्लियर हुआ बेटा? इधर देखो सवाल क्या था बेटा, इसी में चेंज करता हूं। ये था सी सी, ये था बेटा सी स्क्वायर बेटा, ये सी क्यूब, ये सी के पावर 4 बेटा, ये भी सी के पावर 4, ये सवाल आ गया बेटा। क्लियर है? फिर से सवाल हो गया फाइंड द सी इक्विवेलेंट बेटा। अब यहां पर कितना आता? सी स्क्वायर आता, यहां सी क्यूब आता बेटा, यहां सी के पावर 4 आता बेटा, यहां भी सी के पावर 4 आता। तो फिर से वही कहानी देखो ना,
अगर इसका सी इक्विवेलेंट है बेटा, तो यहां पर हर सी के लिए कितना दिया गया, सी से और मल्टीप्लाई हो गया, क्लियर है बेटा कि नहीं है? तो कितना जाएगा बेटा, क्या सी डैश इक्विवेलेंट इज इक्वल टू सी सी इक्विवेलेंट आ जाएगा कि नहीं आएगा? अच्छा, कई बार जल्दबाजी में हम एक बेवकूफी कर जाते हैं, यहां पे सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू सी इक्विवेलेंट, बेटा ये सी इक्विवेलेंट इज डैश इज इक्वल टू सी इक्विवेलेंट स्क्वायर आता है। देखो बेटा मल्टीप्लाई हुआ है, पूरे सर्किट का स्क्वायर नहीं है, जहां यहां पर सी था कितना सी स्क्वायर, जहां सी स्क्वायर था बेटा वहां पर सी क्यूब है, तो सी से मल्टीप्लाई हुआ ना, तो यह आ जाएगा बेटा, यह आ जाएगा, कर लोगे सॉल्व, क्लियर बेटा? तो इनफाइनाइट बेटा इतना कर लेते हैं तो बहुत है, क्लियर है? तो इतना छाप जाओ। देखो बेटा एक और सवाल करते हैं, इस तरीके से बेटा ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, हर कैपेसिटेंस है सी का, क्लियर बेटा? सी इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। देखो बेटा इस पॉइंट को अगर मैं एक्स मान लू, तो ये पॉइंट पे एक्स होगा, कनेक्टिंग वायर है, देखो इस तरीके से जाएगा बेटा कि नहीं जाएगा, क्लियर है? इस सर्किट को सॉल्व करने के लिए आप बहुत सारे तरीके बेटा यूज कर सकते हो, उसमें से एक तरीका यह भी है, आप ये देखो बेटा कि ए और एक्स के बीच में अगर सी डैश आया होगा बेटा, क्लियर है, तो एक्स और बी के बीच में कितना आएगा बेटा, सी डैश आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि वही सर्किट क्या हो रही है, देखो बिल्कुल रिपीट हो रही है कि नहीं हो रही है। तो इस तरीके से बेटा आप सोच सकते हो कि इसको दो अलग अलग सर्किट में तोड़ लिया जाए और ए और एक्स के बीच में निकाल लिया जाए, और ये आप निकाल सकते हो, इसको मैं सॉल्व नहीं कराऊंगा, क्लियर है बेटा कि नहीं है? आगे बात, इसको सॉल्व कर सकते हो आप, ये सॉल्व कर लोगे बेटा सी डैश की वैल्यू आ जाएगी, सी डैश की वैल्यू आ जाएगी बेटा, सी डैश और सी डैश सीरीज में होगा, सॉल्व कर लोगे, क्लियर बेटा?